यात्रा दंड है कि वो दोनों कोई भी घेरे में नहीं आएगा। आप लोग दौड़ कर लीजिए घेरे को, पूरा कवर कर लीजिए। यात्रा दंड है कि वो उसको घेरे में रखे, चेक किया। रेलवे स्टेशन से तस्वीरें हैं, यहाँ पर आज देख सकते हैं कि यात्री को किस तरह से फर्स्ट एड यहाँ पर दिया जा रहा है। और खाली कर दिया जाएगा जी, आरपी व आरपीएफ द्वारा ये डेमो यहाँ पर दिया जा रहा है। और यह देख सकते हैं किस तरह से एक शख्स का इस वक्त मेडिकल फर्स्ट एड यहाँ पर दिया जा रहा है। जब कभी कोई अगर बड़ी बात पेश आती है तो सूरत किस तरह से निपटा जाता है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्ट्रेचर यहाँ पर मंगवा लिया गया है ताकि शख्स की जान को यहाँ पर बचाया जा सके और यात्री को यहाँ से स्ट्रेचर में डालकर हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट यहाँ पर जो है वो किया जा रहा ताकि इसकी जान को यहाँ पर बचाया जा सके। मान लीजिए बम विस्फोट होता ना उस दौरान, मतलब हम क्या कर सकते हैं उसमें, तो जैसे इनका होगा तो उसके दौरान हर यात्री के साथ हम लोग तुरंत कितने तत्पर है, आरपीएफ जीआरपी कितनी तत्पर है, उसका हम आपको थोड़ा सा डेमो दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें साइरन मैं बजवाऊंगा उसमें, और आप लोग थोड़ा दूर खड़े हो जाइए। एक जगह है बेसिकली, क्वेश्चन हमने बना दिया है इसमें, आप देख लीजिएगा तुरंत। ठीक है, हमको टाइम और आरपीएफ का ये एक मतलब एक बड़ा अच्छा सा प्रयास है यहाँ, वो भी इन दिनों में कि जहाँ पर हमें पता है कि छठ पूजा और बाकी जो फेस्टिव सीजन होता है, रश होता है, कि इनके सब फैली है इमरजेंसी। तो छोटी छोटी से स्टेप्स जो हम अपने जवानों को रेडीनेस में रखते हैं, अलर्टनेस में रखते हैं, ताकि उनको इसकी प्रैक्टिस ना भूल जाए, तो अलग सा एक हम चुनते हैं ताकि लोगों से साइड पे आके पैनिक क्रिएट ना हो, एक अलग से सेपरेट जगह पे अपने जवानों के लिए, जो कि आज कल जैसे हमने जीआरपी की तरफ से था और आरपीएफ की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि वो किस तरीके से अगर कोई जख्मी होता है तो फर्स्ट एड उसको कैसे दें। आज फर्स्ट एड का है, फिर कल कोई और चीजें हो रही है, तो वी कीप ऑन डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स ना ऑन स्टेशन बाई एनी बेल्ट फोर्स, इधर जीआरपी आरपीएफ। तो आज शायद आप मौके पे हैं तो शायद आप देख पा रहे हैं इसको, एसएचओ आरपीएफ जो हैं अपनी टीम के संग भी और हमारी टीम भी यहीं मौजूद थी, तो हम इनको भी देखेंगे कि हमारे जवान भी देखेंगे हाउ दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, स्ट्रेचर का यूजेज कैसा होगा और किस तरफ उनको स्टेशन के हिस्से में भागना है उस टाइम। तो आप ये देख सकते हैं इनके के सबको ऐसे कर लेना आरपीएफ जीआरपी को। ठीक है, उसके बाद सारे हम लोग कहेंगे कोई पैसेंजर एंट्री ना करे। ठीक है, फिर हमारे इनको निकल जाना, निकल जाना, निकल जाना। वो आएगा डॉक्टर, अपना आप देखेंगे तुम बीमार हो फटाफट, वो स्टेशन का कॉल करेगा, स्टेशन वाला आएगा, स्टेशन में लिटा के तुमको लेके जाएगा। ठीक है ना बाबा, तुम थोड़े से ना उधर हो जाना, वही करके अपना लगा करके सीधा लेट जाना। बिल्कुल, चलो आना डा सभी लोग रेडी, रेडी करो। देख सकते हैं कि आज जीआरपी और आरपीएफ द्वारा जो है वो आज एक डेमो दिया जा रहा है, जब कोई बड़ी वारदात पेश आती है तो उसको किस तरह से जो है वो यहाँ पर निपटा जाता है। देख सकते हैं कि इस सायरन का मतलब है कि कुछ वारदात पेश आई है और इसको लेकर ये सायरन जो है बजाया जाता है, ये डेमो आज जीआरपी। आप लोग दौड़ कर लीजिए घेरे को, पूरा कवर कर लीजिए। यात्रा दंड है कि वो उसको घेरे में रखे, चेक किया। रेलवे स्टेशन से तस्वीरें हैं, यहाँ पर आज देख सकते हैं कि यात्री को किस तरह से फर्स्ट एड यहाँ पर दिया जा रहा है। और खाली कर दिया जाएगा जी आरपी व आरपीएफ द्वारा ये डेमो यहाँ पर दिया जा रहा है। और यह देख सकते हैं किस तरह से एक शख्स का इस वक्त मेडिकल फर्स्ट एड यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये ठीक है अभी जो है।
जब कभी कोई अगर बड़ी बात पेश आती है तो उस वक्त किस तरह से निपटा जाता है? किस तरह से यहाँ पर स्ट्रेचर यहाँ पर मंगवा लिया गया है ताकि शख्स की जान को यहाँ पर बचाया जा सके और इस यात्री को यहाँ से स्ट्रेचर में डालकर हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट यहाँ पर जो है वो किया जा रहा ताकि इसकी जान को यहाँ पर बचाया जा सके। हमने इसको अंजाम दे दिया है, ये आपको विदिन 3 से 4 मिनट्स के अंदर जो है हम लोगों ने उसको टैप कर दिया। अपना बैग ले सकते हैं आप। तो ये एक छोटा सा डेमो था जिसमें कि ये बताया गया है सभी को कि आप लोग जो है हम लोग कितने अलर्ट है, हम लोग कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपने देखा कि एक जो डेमो शो था वो यहाँ पर दिखाया गया कि जब भी कोई बड़ी वारदात पेश आती है यहाँ पर तो उससे जो है वो किस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस निपटती हैं और वो डेमो जो है आज आरपीएफ व जीआरपी द्वारा जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। जिस तरह से दिखाया गया है कि शख्स जो कि एक हादसे में जो है वो किस तरह से यहाँ पर जख्मी हुआ, जिसे जल्द से जल्द सबसे पहले तो फर्स्ट एड दिया गया, उसके बाद फौरी तौर पर स्ट्रेचर पर डालकर जो है उसे अस्पताल शिफ्ट किया गया ताकि उसकी जान को जो है वो बचाया जा सके। एसडीपीओ अलविना मैडम इस वक्त हमारे साथ है। मैडम क्या कहना चाहेंगे इस तरह से आज जीआरपी व आरपीएफ द्वारा यहाँ पर जो डेमो शो दिखाया गया कि जब भी अगर कोई वारदात पेश आती है तो उससे जो है वो किस तरह से निपटा जाता है, वो आज आवाम को जो है वो यहाँ पर डेमो दिखाया गया? नहीं, ये डेमो असल में रेगुलर बेसिस पे भी यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है इन ऑर्डर टू कीप अवर जवान्स इन दैट पोजीशन की अगर कोई ऐसा कभी ज़रूरत पड़ भी जाए तो वो इन प्रैक्टिस रहें, उनको ये पता चले कि कम समय में हमने फर्स्ट एड कैसे देना है। जो कि ये डेमो आज आरपीएफ की तरफ से था, हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हमारे साथ यहाँ पर वर्क करती है, हम जीआरपी के साथ ही, तो हम वो टाइम सेलेक्ट करते हैं जिस टाइम में लोगों की भीड़ कम हो और ट्रेन का आना जाना काफ़ी कम हो, तो सो दैट हमारा जो जवान है उसको ये आदत भूले ना कि अगर इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी वो उसको कैसे परफॉर्म कर सके। और ये अच्छी एक प्रैक्टिस है, इन प्रैक्टिस रहता है बंदा, तो इनका एक पूरा अच्छा एक इन्होंने बना कर रखा हुआ था जो हमने परफॉर्म किया और लकीली आप यहाँ थे तो आपने भी देखा, अदरवाइज हम इस तरह की चीजें लगातार करते रहते हैं। मैडम आवाम को अपनी तरफ से क्या पैगाम देना चाहें, कुछ पैगाम यही है कि हमसे देखिए हम सभी जो यहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किए हुए हैं या जितने भी हमारे मतलब रेलवे अथॉरिटीज के ऑफिसर्स, सर आइए आप भी, रेलवे ऑफिसर्स हमारे अथॉरिटीज के यहाँ पर ऑफिसर्स भी रहते हैं, हर एक की कोशिश रहती है हम अपने जो पैसेंजर्स हैं उनको कोई मुश्किल या दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े और उनको अपडेट रखते हैं, चाहे वो टिकट्स के रिलेटेड का कोई मसला हो या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि काइंडली कि हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, पार्किंग एरिया है थोड़ा सा जल्दी आ जाएं 30-40 मिनट सो दैट फर्स्टिंग और जो आपकी बाकी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं वो आराम से हो पाए, हमसे भी एक अफरा तफरी का माहौल ना रहे, टिकट्स प्रॉपरली लेकर ऊपर आए और एक जो साथ होते हैं पैसेंजर्स के तो उनकी टिकट का भी एक रहता है कि अक्सर शिकायत रहती है स्टेशन मास्टर साहब को भी कि लोग अवॉइड करते हैं कि मतलब कि जो साथ है वो टिकट लेकर ऊपर नहीं आता है, जिससे क्या होता है भीड़ भाड़ सी रहती है, वो भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझें, प्लस कि वी कीप ऑन अनाउंसिंग ऑल द थिंग्स कि आपने देखा ये पोर्टेबल जो हमने पेन ड्राइव का और ये माइक का सिस्टम रखा है तो इस सिस्टम से हम लोगों को बताते हैं कि वो ऐसी कहीं भी पड़ी हुई वस्तु को चीज़ को ना हाथ लगाएं, हमें जल्दी से इन्फॉर्म कर दें, प्लस अगर कोई भी चीज़ आपको कर्टसी से क्या कोई पेश कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, चॉकलेट कैंडीज दे रहा है तो काइंडली किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई ऐसी चीज़ें लेने का प्रयास ना करें, रेलवे स्टेशन को साफ रखिए और ये आपका अपना एक प्रॉपर्टी है जो आपने यूज़ करनी है तो इसको आप गंदा करके मत जाइए, डस्टबिन जगह जगह लगे हुए हैं आप उनका इस्तेमाल कीजिए और हमसे मतलब ताउन करें कि अगर कोई आपको चेक कर रहा है, फ्रिस्क कर रहा है तो काइंडली उसको करने दीजिए, ये आपकी सेफ्टी है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम आप हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो आज जम्मू परिवर्तन की टीम ने आपको दिखाया है जो भी यहाँ पर रेलवे स्टेशन में लगातार जो रूटीन में जो डेमो शो रहते हैं, जब भी कोई बड़ी वारदात पेश आए तो उससे किस तरह से निपटना है, लोगों की जानों को किस तरह से वहां पर बचाना है, वो सब हमने आपको दिखाया है। आप जनता को इस पर क्या कुछ कहना है अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।